हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नॉलेज हब। आज बहुत सारे रेंडम इंफॉर्मेशन है। वीडियो को ध्यान से देखिए एंड वंस द वीडियो इज ओवर अटेम्प्ट द क्विज एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन। पता चलना चाहिए कि हम किसी चीज को कितने सीरियसली, कितने ध्यान से देखते हैं। लेट स्टार्ट। ये है धरोहर भवन, जो कि नई बिल्डिंग है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, और ये बिल्डिंग जो है तिलक मार्ग पर स्थित है न्यू दिल्ली में, जिसका इनॉग्रेशन 2018 में 12 जुलाई को नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने किया था। एएसआई की बात चली तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्टार्ट करने का रियल क्रेडिट जाता है इस आदमी को। इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के 1861। ही बिकेम डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1861। ही वाज द फर्स्ट वन। और बेसिकली ये आदमी जो है आर्कियोलॉजी में इंटरेस्टेड था। इनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन आर्कियोलॉजी में थी ही नहीं, बट ही वाज डैम इंटरेस्टेड इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो ज्यादातर चाइनीज ट्रैवलर का लिटरेचर इन्होंने पढ़ा था, वेनसांग, इत्सिंग या फाइयान, इनके लिटरेचर इन्होंने पढ़े थे। बेसिकली इनका इंटरेस्ट आर्कियोलॉजी में शुरू होता है जब इन्होंने एज एन असिस्टेंट शुरुआत की इस आदमी की, और इनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। ये वो आदमी जिसका हर हिंदुस्तानी को ऋणी होना चाहिए, क्योंकि इस आदमी ने, जेम्स प्रिंसेप ने इंडियंस को बताया, तुम्हारा एक राजा हुआ है जिसने आज के इंडिया से ज्यादा बड़े रीजन पे रूल किया, एंड द किंग वॉज नन अदर देन द ग्रेट अशोका। इसको कैसे पता चला? बिकॉज He deciphered two different scripts. यह है खरोस्टी, जो अफगानिस्तान के रीजन में बोली जाती थी, सॉरी लिखी जाती थी, और जिसमें अशोक के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, और यह दूसरी स्क्रिप्ट जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया में मिली है, जिसका नाम है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इन सब इंस्क्रिप्शन में एक नाम बार बार रिपीट हो रहा है, और वो नाम है देवनाना प्रिय प्रियदर्शी, या देवना नाम प्रिय प्रियदर्शी, यानी अशोक के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। सो जेम्स प्रिंसेप ने बताया कि देवना नाम प्रिय प्रियदर्शी ही अशोक है जिसने आज से बड़े इंडिया पे रूल किया करीब अब से 2400 साल पहले। और ये हैं बहुत सारे मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका। लौरिया, ये देखिए यहाँ पर हो गया, लुम्बिनी है नेपाल में, रामपुरवा बिहार में, अमरावती सबसे साउथ में जो पिलर एडिक्ट है, दैट्स देयर इन अमरावती आंध्र प्रदेश। सबसे साउथ में मेजर रॉक एडिक्ट यारगुड़ी, अगेन आंध्र प्रदेश में। वेस्ट में गिरनार हो गया, दैट इज इन गुजरात, कालसी इन उत्तराखंड नियर देहरादून, शाहबाज गिरी ये हो गया आपका पाकिस्तान में, और सबसे वेस्टर्न में हो गया कांधार, जिसको पहले बोलते थे गांधार। नाउ कांधार से एक और बात याद आई, ये वाली बात। 1999 में इंडिया का एक जहाज IC-814, इसको टेररिस्ट ने किडनैप किया और इसको कांधार हवाई अड्डे पे लेके गए, जो उस टाइम तालिबान के रूल में था, और ये गंदी हरकत की थी हरकत उल मुजाहिदीन ने, और इसके बदले में 3 टेररिस्ट को फ्री किया गया, जिसमें से सबसे बड़ा था ये आदमी मसूद अजहर। उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, थोड़ा भटक गए थे। वापस आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम पे। कनिंघम के टाइम पर हड़प्पा से रिलेटेड कुछ कुछ इंफॉर्मेशन सामने आने लगी थी, बट कनिंघम उनको कभी भी हड़प्पा के साथ रिलेट नहीं कर पाया। ये कि ये एविडेंसेस हो सकते हैं किसी नई सिविलाइजेशन के, तो ये काम किसने किया? द क्रेडिट गोज टू सर जॉन मार्शल, जो 1902 से 1928 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल रहे। यही वो आदमी है जिसने पूरी दुनिया को ये क्लेम करके बताया कि इंडिया में हमने एक नई सिविलाइजेशन ढूंढी है, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। यही एक अच्छा काम किया था लॉर्ड कर्जन ने, इसके अलावा जो भी काम किया उसने खराबी की। दिस इज लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने
जॉन मार्शल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल की पोस्ट तक पहुंचाया, लेकिन बाकी कामों के लिए लॉर्ड कर्जन इंडिया में बहुत डिफेम्ड रहे, और इस डिफेम होने की एक बड़ी वजह थी ये पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। ये वाला हिस्सा जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी और ये वाला हिस्सा कोशिश की गई कि हिंदू मेजोरिटी में रखा जाए ताकि इन दोनों के बीच में झगड़े। कर्जन का एक स्टेटमेंट है जो बहुत बाद में फेमस हुआ, और वो स्टेटमेंट था कि हिंदू और मुस्लिम्स मेरी दो बीवियां हैं और इन दोनों में से मुझे मुस्लिम बीवी ज्यादा पसंद है। बहरहाल 6 साल के बाद में 1911 में लॉर्ड कर्जन ने ये पार्टीशन खत्म किया। क्यों? इसलिए क्योंकि उस साल दिल्ली दरबार लगा जिसमें इंडिया की कैपिटल, ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कैलकटा से दिल्ली शिफ्ट की गई, और इस बड़े इवेंट के लिए जिस आदमी को बुलाया गया वो था जॉर्ज फिफ्थ द ब्रिटिश किंग। इसीलिए दिल्ली में बड़ा दिल्ली दरबार लगा, और इसकी शान में एक कविता पढ़ी गई जिसके बोल थे जन गण मन अधिनायक जय हे, जो कि बाद में भारत का नेशनल एंथम बना, और ये लिखा था रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, जिनको अंग्रेज रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते थे, एंड ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1913, इसके 2 साल के बाद में, फॉर द कलेक्शन ऑफ पोम कॉल्ड गीतांजलि। ये पहले एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। बहरहाल 1947 में डिवीजन हुआ जिसमें ये लाइनें देखिए आप, ये लाइनें जिनको बोलते हैं रेड क्लिफ पार्टीशन लाइन्स 1947, क्योंकि इस पार्टीशन को करने में सर सिरिल रेड क्लिफ का बड़ा रोल था, बिकॉज ही वॉज द ज्वाइंट चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन। इस पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से इतना ज्यादा परेशान था कि उसने इंडिया से हेल्प ली और 1971 में इंडिपेंडेंस ले ली। 16 दिसंबर 1971 को इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को बुरी तरह डिफीट किया और पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया। ये पिक उसी सरेंडर का है जिसमें भारत के जनरल जो है जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान के जनरल ए के नियाजी साइन कर रहे हैं, और इनके साथ ही 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया। इसीलिए 16 दिसंबर को इंडिया में विजय दिवस मनाया जाता है। सो ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश, और बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 26 मार्च को। और इस आदमी ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंग बंधु कहा गया। He was the founder of अवामी लीग पार्टी जो आज बांग्लादेश पे रूल कर रही है और आज की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, जो कि मुजीबुर रहमान की बेटी है। भारत और बांग्लादेश बहुत सारे रिवर्स को शेयर करते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र तिस्ता से मिलकर जमुना बन जाती है, तिस्ता सिक्किम वेस्ट बंगाल से होते बांग्लादेश में एंटर करती है और बाद में ब्रह्मपुत्र से मिलकर जमुना रिवर बन जाती है। गंगा और जमुना मिलके मेघना रिवर का फॉर्मेशन करते हैं। ये एरिया है सुंदरबन डेल्टा, जो कि आधा इंडिया में है आधा बांग्लादेश में है, और ये नंबर वन है जूट प्रोडक्शन में। भारत और बांग्लादेश का झगड़ा एक छोटे से आइलैंड को लेके भी है जो ऑफ एंड ऑन गायब होता रहता है, वो है मूर आइलैंड। इस पे दोनों ही कंट्रीज क्लेम करते थे, लेकिन अब साइंटिस्ट बताते हैं कि ये दोबारा से सबमर्ज्ड हो गया है। गंगा के अलावा तिस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट भी है भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि ये रिवर दोनों कंट्रीज से होकर निकलती है। और लास्ट में ये है बांग्लादेश के नेशनल पोएट राष्ट्र कवि नजरुल इस्लाम, और ये है उनकी कुछ फेमस लाइन्स, इसे करके देखो तुम तड़प ना जाओ तो कहना, एक लफ्ज है मुकद्दर इससे लड़के देखो तुम हार ना जाओ तो कहना। तो दोस्तों अब रहिए तैयार क्विज के लिए, स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए और उनके आंसर लिखिए। Now match your answers with these answers and write your marks in the comment section. So guys, thanks for watching. Keep learning and keep growing. Thank you very much.